नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन सफ़र कर रहा है, और कुछ ऐसे सफ़र कर रहे हैं कि हर चीज़ वो ट्राई कर रहे हैं, वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट फैट है, बॉडी फैट वो जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि शायद वो सारे लोग कुछ एक चीज़ वो मिस कर रहे हैं। और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस एक मिसिंग चीज़ के बारे में, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आपने जितना फॉलो किया डाइट, थेरेपी और एक्सरसाइजेस, वो कुछ काम नहीं आने वाली है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के हेल्थ टिप्स मिलते रहें। करेंगे उस थेरेपी के बारे में जो आपको डेली बेसिस पे करना है, और शायद बहुत सारे लोग ये करते हैं पर वो उस चीज़ से अवेयर नहीं होते। उस थेरेपी का नाम है च्यूइंग थेरेपी, यानी कि अगर आप मेडिकल टर्म में बोले तो मैस्टिकेशन बोलते हैं, खाने को चबा के खाना। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो इस थेरेपी का यूज़ करती है बीमारियों को ठीक करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि च्यूइंग थेरेपी है, चबा के तो सब खाते हैं, बिना चबाए हम खाना कैसे खाएंगे। तो सबसे पहले इस थेरेपी को करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है इसका इम्पोर्टेंस, कि यह थेरेपी काम कैसे करती है, ये मोटापे को कैसे ख़त्म करती है। हम चबा के तो खाते हैं रोज़, लेकिन इससे तो हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। जब भी हम खाने को च्यूइंग करके खाते हैं तो आपके लार में सलाइवरी कॉर्टिसोल रिलीज जो होता है नॉर्मल बेसिस पे जब आप चबा के नहीं खाते हो, लेकिन जब आप चबा के खाते हो तो आपके जो लार में सलाइवरी कॉर्टिसोल, ये ऐसा हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जो फैट को कट नहीं करने देता। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो यह फैट के एब्जॉर्प्शन में ब्रेक क्रिएट करेगा, यह फैट को कट नहीं करने देता कॉर्टिसोल। लेकिन अगर आप चबा के खाते हो तो वो कॉर्टिसोल का लेवल जो है डाउन हो जाएगा, और जब वह डाउन होगा तो आपके बॉडी में फैट का स्टोरेज ही नहीं होगा। इसीलिए चबा के खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक और चीज़ होता है कि जब भी आप स्ट्रेस के कंडीशंस में होते हो तो वो कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारी बॉडी में रिलीज़ क्यों होता है। नॉर्मल डेली लाइफ में देखें, मोटापा उन लोगों में ज़्यादा होता है अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या बाहर का चीज़ें वो खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलरी वाली चीज़ें वो खा रहे हैं, या डेली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। जब भी आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो तो आपकी बॉडी को उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, और वही एनर्जी बॉडी क्रिएट करता है कैसे, फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म के थ्रू। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा जानवर आ गया और आप डर जाते हो, तो उस जानवर से बचने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो भागोगे वहाँ से। भागने के लिए आपके शरीर को क्या चाहिए होगा, कैलरी चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी, और वही एनर्जी के लिए आपकी बॉडी, आपके बॉडी में क्या रिलीज़ करता है, कैलरी रिलीज़ करता है, फैट को बर्न करता है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हुआ है, कॉर्टिसोल रिलीज़ हुआ है। बहुत सारे केसेस में हम क्या करते हैं, हम भाग तो सकते नहीं हैं, और ना ही बहुत सारे लोग डेली एक्टिविटी में एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। ज़्यादातर काम हमारा चेयर पे बैठा हुआ या फिर नॉर्मल वॉक के ज़रिए हमारा दिन गुजर जाता है, हम उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं उस जो रिलीज़ हुआ, जो हमारे बॉडी में जो कैलरी रिलीज़ हुआ है उसको बर्न करने के लिए। तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है फैट के फॉर्म में। अगर आप डेली एक्टिविटी नहीं कर रहे हो और चबा के भी नहीं खा रहे हो तो आपकी बॉडी में फैट जो है स्टोर होगा, और यही चर्बी जो है मोटापा बढ़ाएगा। इसका एक और भी रीज़न है कि आपको चबा के क्यों खाना चाहिए। हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस होता है, ऑटोनोमिक सिस्टम होता है। ये ऑटोनोमिक सिस्टम क्या करता है, जब भी हम खाते हैं तो एटलीस्ट 15 मिनट लेता है सेंसेशन को पहुंचाने तक ब्रेन तक कि हमारा एब्डोमेन फुल हो गया है और अभी हमें खाना स्टॉप करना है, लेकिन वो पहुंचाने में तुरंत नहीं पहुंचाता। लाइक कि अगर आप खा रहे हो और आपका पेट भर भी गया है तो भी 15 मिनट तो लगेगा ही उस ब्रेन तक पहुँचने में कि हाँ आपको अभी फूड की नीड नहीं है। इसीलिए जब आप चबा के खाते हो तब आपको क्या, उस ब्रेन एक्सिस तक जो पहुंचने का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो आपका कम हो जाएगा, और इससे फिर आप बहुत ही जल्दी सटाइटी लेवल तक पहुंच सकते हो। जब भी आप चबा के खाते हो तो आपको कम भूख लगती है, और साथ ही जल्दी आपको संतुष्टि मिल जाती कि आपका पेट भर गया है, क्योंकि वो जो एक्सिस होता है वो काम ही ऐसा करता है 15 मिनट लेट, और आप क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी खाते हो तो एक्स्ट्रा आप कैलोरी इनटेक करते हो। तो चबा के खाना चाहिए, और कभी भी टीवी देखते हुए या फ़ोन चलाते हुए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम फिर अवेयर नहीं होते हैं, चबा के भी नहीं खा पाते हैं।
तो ये सारा रीज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको क्यों चबा के खाना चाहिए। सेकेंड थिंग है वाटर ड्रिंकिंग। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि पानी तो पी रहे हैं लेकिन किस तरह से पी रहे, कैसे पी रहे ये नहीं जानते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो कि हमें कैसे पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस की जर्नी में। जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी से एक्सेस जो फैट होता है वो भी रिमूव होता है, साथ ही हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव होता है। इट्स लाइक कि एग्जांपल से समझते हैं, जब भी सपोज़ एक लोटा है या एक ग्लास है, उसको आपको साफ़ करना है और इसमें मिट्टी लगा हुआ है, आप हाथ से करोगे नहीं होगा, लेकिन अगर आप पानी डाल के करते हो तो वो ईजिली होगा। आप एक बार पानी डालोगे कम होगा, दो बार करोगे अच्छे से होगा, तीन बार करोगे तो पूरा ही क्लीन हो जाएगा। सेम थिंग हमारी बॉडी सिस्टम के साथ होता है, अगर आप पानी पीते हो अच्छे से तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो भी रिमूव होगी और आपका पूरा बॉडी क्लीन रहेगा। इसके साथ ही यह आपके स्ट्रेस हार्मोन को भी रिड्यूस करता है। आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप डरते हो या फिर आप इमोशनल होते हो, उसके बाद आपको प्यास लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज़ करती है वाटर को, आपकी बॉडी यूज़ करती है आपके बॉडी में बैठे कैलोरी को। तो इसलिए खाने को चबा के खाना और पानी उतना ही ज़रूरी है। साथ ही जब आप पानी पीते हो तो आपकी बॉडी में क्या होगा, सैटाइटी लेवल बना रहेगा, आप एक्सेस कैलोरी इनटेक से बचे रहोगे क्योंकि आपका पेट भरेगा। हम जब भी हमें भूख लगती है हम कुछ खा लेते हैं, कुछ कैलोरी इनटेक कर लेते हैं। कैलोरी इनटेक लाइक कि हम छोटा सा कुछ बिस्किट ले लिया, चॉकलेट ले लिया, उसमें भी कैलोरी होती है। जब भी आपको भूख लगे आप पानी पीजिए, इससे क्या होगा, सैटाइटी लेवल मेंटेन रहेगा, साथ ही आप कैलोरी इनटेक से बचोगे। जो हम कॉफ़ी चाय लेते हैं उसमें शुगर डालते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट थिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, कभी भी अपने मील को स्किप नहीं करना, चाहे कोई भी टाइप का मील हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस जर्नी में वो मील स्किप करते हैं, कभी वो 8 बजे खा रहे हैं, कभी 9 बजे खा रहे हैं, कभी भूख नहीं लग रहा है तो वो नहीं खा रहे हैं, ऐसा भी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भूख नहीं लगने पर भी खाना है, बस कभी भी आपको लंच और डिनर स्किप नहीं करना है। आप डिनर स्किप कर भी सकते हो लेकिन आपको लंच कभी भी स्किप नहीं करना है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब आप मील स्किप करते हो तो आपका जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और फिर जब आप खाना खाते हो तो आप एक्सेस कैलोरी इनटेक करते हो क्योंकि आपको भूख ज़्यादा लगी होती है। इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो 14-16 hours की फास्टिंग कर सकते हैं। मैंने फास्टिंग पे भी एक वीडियो बनाया है, आप जाके ज़रूर देखिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो एटलीस्ट मंथ में 3 days वाटर फास्टिंग करने का ट्राई करें। अगर इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते रहेंगे इसी तरह के हेल्थ वीडियोस के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के आपको हेल्थ टिप्स देते रहूँगी, आपको इस चैनल से जुड़े रहना है ताकि आप इसी तरह के हेल्थ बेनिफिट्स लेते रहें। सो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें, नमस्कार।